Assalamualaikum friends, hello everyone, namaste, आप सब कैसे हैं? कैसे हम लोग बनाम साहब? मैं हूं मैं। आप देखिए हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। एक दफा फिर से जो लोग रोजाना वीडियोस देखते हैं उनका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। आपसे एक ही विनती है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा। तो आज की जो वीडियो लेकर आए, वीडियो का नाम है इंडियाज बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। यहाँ से चलेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। भाई बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो, अमेजिंग। आगे ही ट्रेन चलते हैं लेकिन बुलेट ट्रेन भी वो ला रहे हैं अपने इंडिया में, तो वो देखेंगे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे क्या काम चल रहे हैं वो देखने वाले। इस वीडियो में प्लीज वीडियो कमेंट तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके विजिट कीजिएगा। तो देखते हैं आज। वेल यू नो व्हाट, प्राइड की बात होती है जब इंडिया किसी भी चीज को अपने रूप में बनाता है, खुद बनाता है, और उसके लिए हम गर्वान्वित ही फील कर सकते हैं और हमें गर्वान्वित फील करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी प्राइड का सवाल है और हमें प्राउड फील करने का बिल्कुल हक है अगर हम एक विकसित भारत में रहते हैं। तो विकसित भारत की ये निशानी है और विकसित भारत ऐसा है हमारा। लोग बहुत बोलते थे वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको कोई बुलेट ट्रेन थोड़ी बोलेंगे। अरे भाई समझ में आया, नहीं बोलेंगे। उसके लिए हमारे ट्रैक्स उतने मजबूत होंगे तब 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हमारी ट्रेन बिल्कुल चलेगी। क्या हमारी ट्रेन अभी के जो ट्रैक्स हैं उसमें 160 किलोमीटर पर आर नहीं चलती, गतिमान एक्सप्रेस नहीं चलती? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो बुलेट ट्रेन का है और स्पीड में हमारी ट्रेनें चलेंगी। काम चल रहा है पूरा जोरों शोरों, काम स्टेशंस बन रहे हैं। दोस्तों हमारे मतलब ग्रुप का गर्वी गुजरात का प्लान था कि डांडी कुटीर जाना है और अक्षरधाम जाना है, लेकिन हम लोग वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते थे तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती थी, तो हमने कुछ दूसरा प्लान बनाया है। लेट्स सी, भरा हुआ है वो रहा। अरे लग्जरी बस छोड़ करके हमने ऑटो पकड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। इसमें खुली हवा मिल रही है हमें, तूफानी हवा मिल रही है। और हम तीन बंदर कितने सुंदर हम लोग साथ में चल रहे हैं। देखो हम तीनों साथ में चल रहे हैं। अब तो हम नीचे आ गए। बस भैया लेफ्ट ले लो, ये ना लगा दो। ये स्टेशन वाव, देख रहे हैं आप, ये वही जगह है जहाँ से हमारे इंडिया की बुलेट ट्रेन निकलने वाली है। अहमदाबाद टू मुंबई की बुलेट ट्रेन, आर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज गोइंग टू रन फ्रॉम हियर। लगभग 60 साल पहले जापान ने जब बुलेट ट्रेन को दुनिया के सामने रखा जो 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती थी, तो रेल की दुनिया में एक क्रांति आ गई। अब विश्व में इस रफ्तार से बहुत कुछ बदलने वाला था। इसी क्रम में विलम्ब से ही सही राजनीतिक इच्छा शक्ति ने इसे भारत में भी दौड़ाने का फैसला लिया, जो आज साकार होता हुआ दिख रहा है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम लगभग 75% पूरा हो चुका है और 2026 तक यह सपना आपके समक्ष होगा। भारत की बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से अहमदाबाद और मुंबई के बीच दौड़ेगी और दोनों शहरों की दूरी मात्र 2 घंटे और 58 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं साबरमती में बुलेट ट्रेन का यह कॉरिडोर। अच्छा लगता है, हम अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं। स्टेशन काम जोरों शोरों में शुरू है। आज संडे का दिन है इसीलिए थोड़ी शांति नजर आ रही है। एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, सारी चीज़ें होंगी हमारे इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर। वैसे तो हमारी सारी स्टेशंस पर अब ये सुविधाएं हैं। अभी देखो ये सारा ब्लॉक्ड है, सारा बन करके तैयार हो रहा है पूरी तरीके से। वाओ, ऑसम।
मैं तो इमेजिन कर रही हूँ दोस्तों कि जिस वक्त ये पूरी तरीके से फिनिश रूप में हो जाएगा, ताम झाम होगा और पहला दिन इनॉग्रल होगा, मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा लग रहा है। काम जोरों शोरों से चल रहा है अभी सारा जो है ना। यहीं से साबरमती स्टेशन यहीं पर है, ब्रॉड गेज रेलवे यहाँ पर है और यहाँ पर बुलेट ट्रेन का पूरा तामझाम है। यहीं पर चलेगी बुलेट ट्रेन पूरा, देखिए वहाँ से आपको दिखाई दे रहा है रेलिंग पूरी, मतलब वो जो बॉर्डर दिखाई दे रही है वहाँ पर, वो सारा जो पतरा लगा हुआ है ना वहीं से चलने वाली है। हाँ वो एक कनेक्टिविटी है, सब पूरी की पूरी एक कनेक्टिविटी है। अगर किसी को उस तरफ से आना है तो वो स्टेशन पे भी उतर सकता है, बुलेट ट्रेन भी उतर सकता है और आगे जो साबरमती का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे भी उतर सकता है। अच्छा, तो ये इंटर कनेक्टिविटी बनी रहेगी थ्रू आउट। ओके, जैसे मुंबई में होता है ना कि सेंट्रल रेलवे टू वेस्टर्न रेलवे हम लोग स्विच कर लेते हैं, यहाँ पे भी ऐसा रहेगा कि अगर किसी को नॉर्मल रेलवे स्टेशन से, इंडियन रेलवे के रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन में आना है तो वो भी पॉसिबल है, और अगर मेट्रो स्टेशन से बुलेट ट्रेन में आना है तो वो भी पॉसिबल है। वाओ, मतलब लोग, मतलब मेल ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स एंड बुलेट ट्रेन्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। जैसे रानी कमलापति में भी वो लोग कर रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन और मेल ट्रेन, उन दोनों को जो है वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं विद दैट स्टेशन विच इज मेट। वाओ यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार आने आने पे। आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताती हूँ, साबरमती जो स्टेशन है ना उसकी, आप अगर साबरमती स्टेशन को आप गौर से देख रहे हो तो इस तरफ आप देख रहे हो तो एक ट्रैक्स है और बस यार्ड के बाद जहाँ पे वो है शेड के बाद उस तरफ जो है और एक जगह है जहाँ से मैंने अभी ट्रेन जाती हुई देखी, और जो ट्रेन जा रही है ना वो वीरम गाम राजकोट होते हुए जाती है और जो यहाँ से जाती है वो कलोल दिल्ली की तरफ जाती है, तो ये यहाँ का है और फिर डीसी महसाना से होते हुए भी जाती है। तो आई मस्ट टेल यू कि हर जगह की एक यूनिक फीचर है और सच में रेलवेज बहुत ही गहरा है, जितना उसमें डूबते जाओ, जितना उसमें घुसते जाओ आपको लगेगा कि कुछ कम ही हासिल हुआ। ये और ऊपर आ गई हूँ मैं, क्या ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है भाई, काफी बड़ा स्टेशन है। वो दिखाई दे रही है जो ऊपर जाने के रास्ता है, मुझे गाड़ी के लिए है शायद, पार्किंग भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने बनाया हुआ है ना, उन्होंने जबरदस्त है। एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे कार पार्किंग का होगा मैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है, और यहाँ से कार जो है ये आप देख रहे हैं, ये पूरा और पूरी कार जो है वहाँ से निकल करके इस तरफ से की हकीकत यहाँ की जो है वो ये है कि पूरी तरीके से पूरा ढांचा ही नहीं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन उसके साथ साथ पाइपलाइन से लेकर के पूरे एक्सटिंग्विशर से लेकर के सारी चीज़ें देखिए पूरी तरीके से बन चुकी हैं। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो सारी कनेक्टिविटी हो चुकी है यहाँ पर, और मैं तो देख रही हूँ कि अब और कुछ नहीं है, अब इसको बस लास्ट जो कलर लगाना है, जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स भी आप देख रहे हो यहाँ पे लगा कर हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पे पूरा हो चुका है, बस अब फिनिशिंग टच देने की देरी है और उसके बाद एवरीथिंग विल बी ऑन। इट इज़ एक्साइटिंग मोमेंट टू सी, हमारे इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन होने वाली है। बड़ी खुश है। ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर,
देखिए कितने फ्लोर्स हैं, बहुत ज्यादा फ्लोर्स हैं। और ये देखिए ये जो कनेक्टिंग लाइन है, एक फ्लोर में और ऊपर आ गई हूँ और अब मैं पैरेलल हूँ इस पूरे लाइन के साथ। अलग अलग फ्लोर बना हुआ है ना जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो देखा ही आपने भाई यहाँ से बुलेट ट्रेन चलेगी, इंडिया की बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर उन्होंने दिखा दिया भाई। हाँ, अहमदाबाद से मुंबई और बीच में जो आएंगे वडोदरा पता नहीं कौन कौन से, उनमें भी वो रुके करेगी, 320 किलोमीटर चलेगी और काफी ज्यादा अच्छी उन्होंने एक बनाया स्टेशन अभी बना रहे हैं, पूरा सारा सिस्टम अलग ट्रैक बना रहे हैं तो इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। वो देखा जैसे यहाँ मेट्रो का होता है ना, वो वैसा बना रहे हैं कि अलग जो सड़के नीचे है ना उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर से ट्रेन चलेगी और इतनी स्पीड से उसने जाना ना, इतनी स्पीड से 2-3 घंटे में आप वो अहमदाबाद से मुंबई, वैसे काफी टाइम लगता है, मुझे लगता है कुछ 6-7 घंटे मुझे लगता है कि लग गाड़ी पर लगती है। तो बुलेट ट्रेन जो है वो इतने तेज रफ्तार से जाएगी कि इतने कम समय में इतना ज्यादा जो फासला वो तय कर लेगी। बुलेट ट्रेन जो कि इंडिया में ही रेडी हो रही है और इंडिया ही अपना मेड इन इंडिया है, हां मेड इन इंडिया ही है। और इसके अलावा जो है ये हमने स्टेशन देखा वो भी इतना ज्यादा अच्छा वो बना रहे हैं, 70% काम शुरू हो रहा है, मुकम्मल हो गया। हां 75% जो है काम खत्म हो गया और भी मतलब कितना ज्यादा प्राउड फील होता है जब आप ऐसे और यार आपके मुल्क में जब चलेगी तो सबका होता है कि यार अब इसके लिए कोई इतनी बुलेट ट्रेन हम जापान में सोचते हैं दूसरे कंट्रीज में, वहां तो बिल्कुल वहां भी इतनी अभी चल रही है कि जितना हिसाब नहीं, आपको पता ही होगा चाइना जापान और अमेरिका ये ऐसे मुल्कों में बहुत ही ट्रेनें चलती हैं, लेकिन कदम से कदम मिला के इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है कि उनके कंट्री में भी बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन वो जो कि इन्होंने खुद अपनी बनाई हुई है कश्मीर तक वो लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। तो कितना ज्यादा एक खुशी की बात है और प्राउड की बात होती है कि यार आपके कंट्री में बुलेट ट्रेन बन गई और वो वहीं से मतलब आपके कंट्री में जाएगा और उसमें सफर कितना करना अच्छा होगा। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे जब इसका ओपनिंग होगी ना, तो बहुत से लोग आएंगे। 2026 में बोला कि इसकी हो जाएगी, अभी 2-3 साल लगेंगे इसे और फिर ये ट्रैक्स पर इंडिया के दिखाई देगी तो देखेंगे हम भी यार। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज को लेकर। हमारे कंट्री में तो खैर नहीं चलनी लेकिन इंडिया में तो चलेगी, ये कौन सा डिजाइन वो बनाते हैं क्योंकि इंडिया वाले डिजाइन में काफी अच्छे से बनाते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का उनका डिजाइन होता है भाई। देख बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद है एडवांस में कि आपका कंट्री इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है। कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।